डब्ल्यू यानी मैं आप हम सब ने मिलके इस एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया। आज गांव-गांव में बैठा बच्चा अपनी जेईई नीट डिफेंस की तैयारी कर सकता है, वो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकता है। ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आज करना था। अब फिजिक्स वाला बनेंगे यूपीएससी वाला। हमारे देश में हर साल लाखों की तादाद में छात्र यूपीएससी नीट जेईई एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यह सभी परीक्षाएं हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, जिसके लिए छात्र सालों से तैयारी करते हैं। वहीं इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे देश में कई कोचिंग संस्थान हैं, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन इन सभी संस्थानों की फीस लाखों में होती है, जो कोई मध्यवर्गीय परिवार का छात्र चुका नहीं सकता। वहीं जो छात्र गांव या छोटे शहरों से इस परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े शहरों में आते हैं, उनको इन संस्थानों के अलावा बड़े शहर में रहने, खाने और जरूरत की बेसिक सी चीजों का खर्चा भी उठाना पड़ता है, जिस वजह से कई छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेने का इरादा ही बदल देते हैं। लेकिन अब उन सभी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें, सोनू सूद और खान सर के बाद अब नीट और जेईई जैसी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले फिजिक्स वाला के अलक पांडे सर भी गरीब बच्चों और मध्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के लिए कम फीस में यूपीएससी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद अलक पांडे सर ने एक वीडियो के माध्यम से दी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। फिजिक्स वाला के नाम से अलक पांडे सर बहुत मशहूर है। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उनको एक बड़े कोचिंग संस्थान से जुड़ने का मौका भी मिला, जिससे उन्हें 75 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज पर छात्रों को पढ़ाना था। लेकिन अलक सर ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया, क्योंकि अलक सर जानते थे कि सभी छात्र बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद अलक सर ने फिजिक्स वाला नाम से अपनी एक कोचिंग शुरू की, जिसकी मदद से आज वहां लाखों छात्रों को जेईई नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए बड़े कोचिंग संस्थानों से काफी कम फीस लेते हैं, क्योंकि अलग सर भी एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए वह जानते हैं कि गरीब परिवार से आने वाले छात्रों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने यूपीएससी की कोचिंग शुरू करने की बात कही है। क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में बच्चे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसमें से केवल 0.2% बच्चे ही इसमें सफलता पाते हैं। लेकिन कई छात्र इस परीक्षा में हिस्सा ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास परीक्षा की तैयारी के लिए किसी बड़े कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसों की कमी होती है। लेकिन अलग सर की तरफ से शुरू की गई क्लासेस कम पैसों में होती है, जिसकी फीस एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र भी दे सकते हैं। वहीं अलग सर के पढ़ाने के तरीके के छात्र कायल हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय छात्रों को बेहद आसानी से समझ आते हैं, जिसकी वजह से छात्र उनसे पढ़ना पसंद करते हैं। आपको बता दें, अलग सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप गांव या छोटे शहर से हो, तब भी आप घर बैठे ही अलग सर की क्लासेस ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप सभी के मन में यह बात आई होगी कि आखिर अलग सर यह नई यूपीएससी की क्लासेस कब से शुरू करने वाले हैं। तो आपको बता दें, अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, पर उम्मीद लगाई गई है कि अलग सर यूपीएससी की क्लासेस इसी साल दिवाली के बाद शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।